दोस्तों अगर आप फूड डिलीवरी सेक्टर जोमेटो एंड स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म वर्क करते हो तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिकॉज अब तक ओला उबर रैपिडो में वर्क करने वाले राइडर का प्राइवेट व्हीकल के थ्रू वर्क करना गवर्नमेंट को यहाँ पे मंजूर नहीं था। इसके चलते यहाँ पे ओला उबर रैपिडो को इंडिया में बहुत सारी सिटीज़ में बैन भी कर रही है गवर्नमेंट। और अब पता चल रहा है कि फूड डिलीवरी सेक्टर जोमेटो एंड स्विगी में भी आपकी व्हीकल का कॉमर्शियल होना कंपलसरी होगा। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ बिकॉज रिसेंटली एक फूड डिलीवरी बॉय का जो स्विगी में वर्क करता है उसका 15,000 रुपये तक का चालान काटा गया है RTO की तरफ से, दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से। उस प्रॉपर चालान में मेंशन भी किया गया है कि एक डिलीवरी बॉय स्विगी में जो वर्क करता है कि उसका जो बाइक है वो कॉमर्शियल नहीं थी, इसके चलते हमने इस चालान को काटा है। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि इंडिया में जो फूड डिलीवरी सेक्टर है या फिर बाइक टैक्सी सेक्टर है या फिर पार्सल डिलीवरी सेक्टर है, इसमें वर्क करने वाले राइडर की संख्या बहुत है। यानी कि कोरोना के बाद से जब से लॉकडाउन की सिचुएशन आई या फिर महामारी के टाइम, बहुत सारे राइडर्स ने इन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे अपर क्लास हो, चाहे वो बिल्कुल लोअर क्लास हो, हर एक सेक्टर के लोगों ने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया, वर्क किया। तो इस सेक्टर में लगभग लाखों की तादाद में लोग वर्क करते हैं, अपने घर को चला रहे हैं। और ऐसे में गवर्नमेंट की तरफ से ये पॉलिसी लाना कि आपकी व्हीकल प्राइवेट है या फिर कमर्शियल नहीं है, इसके चलते हम इन प्लेटफॉर्म बैन कर रहे हैं, तो बहुत सारे राइडर को एक धक्का जैसा लगा है कि ताकि एक 20-25 हज़ार कमाने वाला राइडर, एक लड़का, अगर उसके हाथ से एकाएक उसकी जॉब चली जाए तो कैसा लगेगा, वही इस समय हर एक राइडर फेस कर रहा है। और ऐसे में बहुत सारे राइडर इस समय ओला उबर रैपिडो जाने के बाद जो जोमेटो एंड स्विगी में भी वर्क करने सोच रहे थे या फिर ज्वाइन कर चुके थे, उनके लिए भी एक बहुत शॉकिंग अपडेट है। बिकॉज RTO जो दिल्ली RTO है उनके तरफ से रिसेंटली एक चालान कटा है जिसमें एक स्विगी डिलीवरी बॉय जो कोई ऑर्डर को देने जा रहा होगा उसका एक 15,000 रुपये तक का चालान कटा है। आपके सामने मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ। इसमें प्रॉपर मेंशन है कि अगर आप अपनी व्हीकल जो है वो जो स्विगी में जो लाइडर वर्क कर रहा होगा उसकी जो व्हीकल है वो प्राइवेट होगी, तो इसके चलते यहाँ पे मेंशन भी है कि स्विगी जो डिलीवरी बॉय जो वर्क कर रहा था उसकी व्हीकल कॉमर्शियल नहीं थी, इसके चलते हमने ये जो चालान है वो काटा है। और जिसमें से 10,000 रुपये चालान और 5,000 रुपये जो इसका कॉमर्शियल बाइक नहीं है उसका, तो 15,000 टोटल इस राइडर का चालान कटा है। तो अब ये तो रियर केस में हो सकता है कि फूड डिलीवरी सेक्टर में भी यहाँ पे कॉमर्शियल बाइक यहाँ पे मांगा जा रहा है। बिकॉज अगर ऐसा हुआ तो बहुत सारे सेक्टर है, लाइक एक मिल्क डिलीवरी बॉय उसका भी बाइक का कॉमर्शियल होना जरूरी है। बिकॉज अगर दिल्ली RTO कि हम माने तो उनका कहना है कि अगर आप कोई व्यवसाय कर रहे हो अपनी व्हीकल के थ्रू तो उसको कॉमर्शियल करवाओ, तभी हम उसको मंजूरी देंगे, अदरवाइज उसको प्राइवेट व्हीकल के थ्रू हम मंजूरी नहीं देंगे। तो अगर ऐसा है तो हर एक सेक्टर में हर एक जगह वर्क करने वाले राइडर्स, वर्क करने वाले डिलीवरी पार्टनर के ऊपर ये चीज़ें लागू होनी चाहिए। आप पता नहीं ये क्या सोच रख रही है RTO, जो दिल्ली की RTO है वो क्या सोच रखी है वो मुझे नहीं पता। और इस समय बहुत सारे राइडर फ्रस्ट्रेटेड हैं, दुखी हैं इस चीज़ों को लेके। और अब फूड डिलीवरी सेक्टर में भी ये चीज़ें देखने को मिलने लगी है। अब रियर केस में अभी एक ही दो राइडर के साथ ऐसा सीन हुआ है जो मैंने आपको बताया। अब देखते हैं आगे नाले कल में क्या क्या देखने को मिलेगा और क्या कम बैक करती है, क्या कुछ RTO अपने टर्म एंड कंडीशन में कुछ चेंजमेंट करती है, फिर गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ कार्रवाई करती है कि नहीं करती है। बिकॉज इस पर एक्शन होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सेक्टर मामूली सेक्टर नहीं है, इसमें लाखों की तादाद में लोग वर्क करते हैं, अपने घर को चला रहे हैं, और एकाएक उनके हाथ से जॉब छीन जाना तो ये अच्छी बात नहीं है, और ये गवर्नमेंट के लिए भी अच्छी बात नहीं है, कोई भी सरकार आएगी तो उसके लिए भी अच्छी बात नहीं है। तो इस चीज़ों पर एक्शन होना चाहिए और प्लानिंग कर रही है गवर्नमेंट धीरे धीरे। अब देखते हैं आगे आने काल में क्या देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आई होप आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो, इंपॉर्टेंट लगी हो। अगर अच्छी लगी हुई वीडियो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल बनाओ, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो में वीडियो जैसे मिलना हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।